एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक है केसलेट डीआई। ठीक है, केसलेट डीआई की अगर हम बात करें तो हमारे पास पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स लेवल के अंदर अगर हम बात करें तो पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन में और अदर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो केसलेट डीआई क्या होता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन दी जाती है एक पैसेज के फॉर्म में, दी जाती है। किस फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पैसेज के फॉर्म में दिया जाता है। और केसलेट डीआई की बात करेंगे, ना ही कोई टेबल होता है ना ही कोई ग्राफ होता है, पैसेज के फॉर्म में दिया जाता है। और हमें उस इंफॉर्मेशन को, जो डेटा दिया हुआ है हमारा, उसको अच्छे से स्टडी करना होता है, पैसेज के रूप में जो दिया है उसको पढ़ना होता है और क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ए टोटल ऑफ 1650 एम्प्लॉइज, 1650 एम्प्लॉइज इज वर्किंग इन ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए टोटल ऑफ 1650 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज है हमारे पास? 1615 एम्प्लॉइज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 1650 एम्प्लॉइज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसके अंदर जो है मेल इम्प्लॉइज और फीमेल इम्प्लॉइज का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 86:79 दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज कितना है, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे पास? तो आप बोलेंगे 1650 टोटल एम्प्लॉइज कितना है, 1650 एम्प्लॉइज है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मेल और फीमेल की रेशियो क्या दी गई है, बताइए क्या दी गई है? मेल और फीमेल की रेशियो क्या है? 86:79 है। कितना है? 86:79 कितना दिया है हमारे पास? 79 दिया है। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं 86x, और इसको हम क्या मान सकते हैं? 79x। टोटल एम्प्लॉइज के अंदर दोनों होगा, मेल भी होगा और क्या होगा, फीमेल भी होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 86x प्लस 79x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1650। 69 और 6 कितना हो गया? 5 हो गया। 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16। 165x की वैल्यू कितनी आ गई? 1650। ये कैंसिल हो गया, कितनी बार में? 10 टाइम्स में चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्या आ गई? 10 आ गई। तो इसका मतलब मेल्स इंप्लॉय कितने हैं हमारे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो x को 10 से रिप्लेस कर देंगे तो 86 × 10 कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो कितना आ जाएगा? 790 हो जाएगा। अगर बाद में दोनों को जोड़ेंगे 860 प्लस 790 तो कितना आ जाएगा? 650 एम्प्लॉइज हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे? चलिए आगे देखते हैं। देयर आर फाइव डिपार्टमेंट्स, क्या दिया है? देयर आर फाइव, टोटल फाइव डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी। पांच डिपार्टमेंट है हमारा कंपनी में। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च एंड री इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड HR। ठीक है, पांच डिपार्टमेंट है। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आया, हमारा जो टेबल बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ आप लोगों के लिए टेबल। आई होप कि सब लोगों को दिख रहा होगा, सारे लोगों को स्क्रीन अच्छे से। टेबल मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो पांच डिपार्टमेंट है और पांच डिपार्टमेंट में दो चीजें होंगी, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिख लिया हमने, ये दूसरा लिख लिया, ये तीसरा लिख लिया और ये फोर्थ लिख लिया, है ना, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। चलिए इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो, है ना। इसको मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो और आप डेटा को अच्छे से देख पाए। ठीक है, मैं टेबल यहां बना देता हूं और जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज आती चलेगी वैसे वैसे इस टेबल को हम फिल करते जाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास
दो तरह की चीजें हैं, एक है डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और दूसरा है मेल और फीमेल। क्या है? मेल और फीमेल। तो चलिए यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट की बात करूंगा, डिपार्टमेंट मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। कितने डिपार्टमेंट है? पांच है, तो एक डिपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, तीसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, चौथा डिपार्टमेंट ये हो गया, और पांचवा डिपार्टमेंट ये हो गया। यानी डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, डिपार्टमेंट फोर, डिपार्टमेंट फाइव। और यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल, जो हमारा टोटल वैल्यू निकल कर आएगा, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं सब लोग? और उसके अंदर कोई भी कंपनी होती है, इसमें दो तरह के लोग काम करते हैं, एक मेल होता है और दूसरा क्या होती है? फीमेल। मेल को हम प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एम से मार्केटिंग भी होता है और एम से मेल भी होता है, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। एम प्लस का मतलब मेल है, एफ माइनस का मतलब फीमेल है, ठीक है, ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जहां तक कि हमने देखा कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 1650 है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ देखिए नीचे मेल कितने आए हैं, 860। तो टोटल की अगर हम बात करें तो मेल कितने आने चाहिए, 860। देखिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में 860 मैंने लिख दिया। और फीमेल टोटल कितनी आई है, जरा देखिए, 790। फीमेल कितनी है हमारी, 790। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, यहां तक क्लियर? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, और साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, अगर किसी का कोई मिस हो जाता है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा टोटल एम्प्लॉयज 1650 था, इसमें मेल कितने निकल कर आए हमारे पास, 860, और फीमेल कितनी निकल कर आई है हमारे पास, 709, ठीक। आगे की बात करते हैं, टोटल 198 मेल्स, क्या लिखा है, टोटल 198 मेल्स वर्क इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एक बात तो समझ में आया, हमने डिपार्टमेंट का नाम तो लिख लिया, मतलब नंबरिंग तो कर ली, पर नाम तो लिखा नहीं। चलिए नाम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम लिख देते हैं पीडी। पीडी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा है सेल्स एंड मार्केटिंग, तो मैं इसका फर्स्ट इनिशियल लेटर ले लेता हूं, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग दूसरा है। तीसरे की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट, ये पूरा है, याद रखिएगा, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि जब तक कॉमा नहीं आता है तब तक हम नया डिपार्टमेंट की बात नहीं करते। तो हम इसका नाम लिख देते हैं R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रीइन्वेस्टमेंट के लिए मैं छोटा सा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अगला है फाइनेंस, और दूसरा आखिरी है HR, ठीक है। अगला क्या है हमारा, फाइनेंस है, ठीक है, और आखिरी वाला क्या है हमारा, HR। क्लियर है? चलिए आगे की बात कर रहे थे हम लोग, क्या टोटल 198 मेल्स वर्क इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने मेल्स काम कर रहे हैं बताइए जरा, 198। तो मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पार्ट में जाऊंगा और मेल्स के पार्ट में जाऊंगा, तो कितना है, 198, मैंने एज इट इज लिख दिया जैसा दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात कही गई है, अगली बात क्या कही है, 18% इंप्लॉइज वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन विच रेशियो of male to female is 5:4। 18% employees जो है sales and marketing department में काम करते हैं, ठीक है, जिसमें कि male और female का ratio क्या है, 5:4 है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो 18% of कितना employees बोला है, ना ही मेल बोला है ना फीमेल बोला है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने थे मेरे, ऊपर देखिए 1650 था, 18% ऑफ 1650 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 18% क्या हो जाएगा, 18/100 इंटू 1650, ठीक है, ठीक है। 520 टाइम्स में 5 3 50 कैरी 1, 5 3 50 20, ये कट जाएगा आपका, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 टाइम्स में, तो 9 3 कितना आ जाएगा,
9327 कैरी टू 9327 प्लस टू 297 और ये किसका आया सेल्स एंड मार्केटिंग किसका वैल्यू आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग के किसके अंदर आ गया 297 आए ठीक है क्या है सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरे टोटल 297 आए इसका मतलब इसके अंदर मेल भी है और इसके अंदर फीमेल भी है ठीक है तो टू सेल्स एंड मार्केटिंग में टोटल मेल फीमेल दोनों मिला करके कितना आ रहा है 297 आ रहा है 297 आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने बोला है मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 5:4 यानी मेल अगर 5x है तो फीमेल क्या हो जाएगी 4x तो मुझे बताइए 9x हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू क्या 9x और 9x किसके इक्वल है 297 करेक्ट 297 तो ये कितना आ जाएगा 9 3 27 कैरी 2 9 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 तो मुझे बताइए मेल की वैल्यू कितनी आएगी तो आप बोलेंगे 5 × 33 तो ये कितना आ जाएगा 165 और 33 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 राइट 132 आ जाएगा करेक्ट 4 × 33 करेंगे तो कितना आएगा 132 आ जाएगा तो मेल फीमेल आ गई मेरा 132 और मेल आ जाएगा 165 क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए इन फाइनेंस डिपार्टमेंट 77 मेल्स आर वर्किंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने मेल्स काम कर रहे हैं 77 एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिस डिपार्टमेंट इज 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स ठीक है अब ध्यान से समझिए है ना चलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने मेल्स हैं मेल्स की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस के अंदर कितने हैं भाई आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनेंस के मेल्स कितने हैं फाइनेंस के मेल्स हैं मेरे पास कितने बताइए कितने 77 समझ पा रहे मेल्स मतलब प्लस ठीक है एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिस डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस की फीमेल है ना फाइनेंस की फीमेल जो है क्या है 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स 5/7 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स मेल्स कितना है 77 करेक्ट तो ये कितने टाइम चला जाएगा 11 तो यानी मेरे 11 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 55 इसका मतलब फाइनेंस फीमेल कितनी हो रही 55 के बराबर फाइनेंस फीमेल तो फाइनेंस में जाएंगे हम और फीमेल में जाएंगे तो कितना जाएगा 55 और मेल कितना है मेरा 77 क्लियर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे जैसे ही हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सीधा क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं आगे दिया द नंबर ऑफ मेल्स क्या लिखा है द नंबर ऑफ मेल्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट देखिए समझते हैं इसको लिखा है नंबर ऑफ मेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट तो मुझे बताइए लिखा है मेल्स सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जितने मेल्स हैं वो किसके इक्वल है नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल्स जितनी होगी दोनों इक्वल होंगे क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे तो सेल्स मेल की बात कर लें तो चलिए सेल्स का मेल पता है आपको बताइए तो आप बोलेंगे यस मुझे पता है 165 तो फीमेल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की कितनी है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 165 कितना आ जाएगा 165 क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट है ना
नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस, राइट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने मेल्स हैं, नंबर ऑफ मेल्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज हाफ ऑफ मेल्स इन एचआर। एचआर की क्या है? मेल्स, करेक्ट। आप समझ पा रहे? तो मुझे बताइए फाइनेंस के मेल्स कितने हैं? फाइनेंस में जाएंगे और मेल्स में जाएंगे तो कितने? 77 है। तो क्या है 77 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 एचआर मेल, करेक्ट। एचआर मेल, समझ पा रहे? तो एचआर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 77 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 150 क्या आ जाएगा? 154, ठीक है। तो जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं या IBP मैट्रिक्स जो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकें और सभी लोगों को बेनिफिट हो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग लाइव देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट के कितने कैंडिडेट आ गए हमारे पास? 154 आ गए। तो मैं एचआर का क्या आया? मेल आया। एचआर का क्या आया? मेल आया। तो 154 मैंने क्या कर दिया? ये कर दिया, करेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल कर आने वाला है। मुझे बताइए टोटल मेल्स कितने हैं? मैं पूछ रहा हूं कि टोटल मेल्स कितने हैं, बताइए जरा। तो आप बोलेंगे टोटल मेल्स तो सर 860 है। आप देख पा रहे हैं 860 टोटल मेल्स है। यहां देखिए आपके पास एक ही बॉक्स खाली बचा है, किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेल का। तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेल अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल मेल, मेल्स माइनस रिमेनिंग, जितने भी बच रहे रिमेनिंग मेल्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, है ना, ऑल डिपार्टमेंट के मेल्स से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो टोटल मेल्स कितने हैं मेरे पास? 860 माइनस किसे करेंगे? 198 प्लस 165 प्लस 77 प्लस 154, करेक्ट। इसको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है? 860 माइनस 198। अब इसको जोड़ने का भी आर्ट है। अब मैं बोलूंगा 198 को 165 से ऐड कीजिए तो आप करेंगे 8 प्लस 5। अगर ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको ये करना है 198 को आप 200 मान लीजिए, तो 200 और 165 जोड़िएगा कितना आएगा? 365। दो ज्यादा जोड़ दिया ना, तो दो घटा लो बाद में, 363, क्लियर है कि नहीं? तो इसको मैं लिख देता हूँ चलो 363, करेक्ट, 363, क्लियर है। अब चलिए अब मैं इसको जोड़ने के लिए आपको कह रहा हूँ, तो 77 में पहले 4 जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 81, समझ पा रहे हैं? 77 में 4 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 81। अब आपके पास कितना बचा? 150, क्या बचा? 150। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखो 77 है ये और ये 150 हो। एक तो तरीका बच्चे ऐसे करेंगे 7 प्लस 4 1 11 कैरी 1, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1 2 31, एक तो तरीका ये। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 154 प्लस 80 माइनस 3, ठीक है, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? प्लस 231 आ जाएगा। तो 860 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 प्लस 1 4 6 प्लस 3 9, तो 3 प्लस 2 5, करेक्ट। इसको सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 4 इज 6, क्लियर है। बचेगा यहाँ पर कितना मेरा? 5 15 15 में 9 जाएगा, कितना जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या बचा? 7। और 7 में 5 जाएगा तो कितना आएगा? 2 क्या जाएगा? तो इसका मतलब वैल्यू कितना आ गया? 266, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मेरे पास सिर्फ ये दो बॉक्स बचा है, जैसे ये दो बॉक्स मेरा कंप्लीट होगा फीमेल का पार्ट, मेरा DI सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आखिर लास्ट लाइन क्या है। मेल टू फीमेल रेशियो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इज 14:9, 14:9, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए मेल और फीमेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या है? 14:9 का है, 14:19 का है, सॉरी
14 इस टू क्या है 19 का, 14 इस टू 19 का रेशियो मेल फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल का इसके अंदर आरएनडी के अंदर ध्यान रखिए ठीक। अब मुझे बताइए, मुझे पता है मेल कितना है 266, यानी मेल का पार्ट कितना दिया हुआ है 266 हमें पहले से पता है, इसका मतलब 14x इसके बराबर हो गया। मैं इसको 14 यूनिट्स में बोल सकता हूँ, यूनिट्स बोलिए x बोलिए एक ही बात है, 14x 266 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 266 अपॉन 14, कितना आ जाएगा 14 बन जा 14 बचेगा क्या 12 राइट, 14 बन जा 14 बचेगा कितना 12, मुझे बताइए 126 कितने में आएगा 19 टाइम्स में आएगा ना, 14 9 126 तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई 19 आ गई। तो मुझे बताइए फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी, फीमेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर करेंगे आप, सही बात है कि नहीं, 14 यूनिट्स मेरे पास 266 के बराबर आ गया, 14 1 14 बचेगा मेरे पास कितना 12 126, 14 9 126 तो मेरे पास ये कितना 14:19 है, तो मेरे पास 19x फीमेल की वैल्यू लेके जाएगा, 19 × 19 करेंगे तो क्या जाएगा 361 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 361। अब मुझे इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, अब लास्ट बचा है तो क्या करेंगे टोटल से हम चीजों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे टोटल से चीजों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, टोटल फीमेल जो रिमेनिंग फीमेल बच रही है, कौन बच रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट, एचआर, यानी एचआर की अगर मुझे फीमेल निकालना है तो कितना आएगा हमारा 790 माइनस, सबको जोड़ दीजिए 165 प्लस 132 प्लस 55, समझ पा रहे हैं, और कुछ छूटा क्या 132 361 छूट गया ठीक है, इन सबको जोड़ देना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा, जरा जोड़ते हैं देखिए 1 + 5 6 + 2 8 8 + 5 13 कैरी 1 1 + 6 7 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 5 = 21 carry 2 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7 करेक्ट, तो क्या आ जाएगा 730, तो क्या आ जाएगा 790 - 730। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आएगा 77 आएगा क्या, देखिए बिल्कुल सही बात है, तो कितना आ गया वैल्यू मेरा 77, और ये मेरा डीआई कैसे डीआई सॉल्व हो गया। क्लियर है, सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, इस तरह से हमारा इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसका आप आंसर बता सकते हैं ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग ठीक। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से दिए जाएंगे आप लोगों को, देखिए मैंने जैसे बताया कितना आसानी से बन गया है ना, इस तरह से आपका टेबल बनेगा और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टेबल मैंने यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो सारी वैल्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी करेक्ट ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए टेबल, जो टेबल मैंने ऊपर बनाया है वही टेबल नीचे आपको दिख जाएगा, द नंबर ऑफ मेल्स इन रिसर्च डेवलपमेंट इज हाउ मच मोर देन फीमेल इन प्रोडक्ट, तो देखिए मुझे बताइए आरएनडी के जो मेल्स हैं कितने हैं मेरे पास, बताइए निकाला था हमने आरएनडी का मेल्स कितना है 266 है करेक्ट, और कितना ज्यादा है फीमेल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की फीमेल कितनी 165, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 101 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है फीमेल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट री इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंपनी, मुझे बताइए आरएनडी की फीमेल कितनी है, आरएनडी की फीमेल कितनी है देखिए जरा, आरएनडी मैंने बना रखा है, फीमेल की बात करें कितना है, आरएनडी की फीमेल है 361 करेक्ट राइट, कितना परसेंट है टोटल फीमेल्स, तो टोटल फीमेल्स कितनी है, टोटल फीमेल्स कितनी है हमारी कितनी थी 790, यहाँ देखिए 790 करेक्ट, आरएनडी की फीमेल कितनी 361 ठीक है, जो हमने ऊपर बना रखा है तो स्लाइड ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट होगा, ये बोल रहा है कि कितना परसेंट है, यानी 361 इज व्हाट परसेंट ऑफ 790, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 361 अपॉन 790 इनटू 100 करेंगे, इसकी वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाल रखा है आप लोगों के लिए 45.0%।
क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। हालांकि सॉल्यूशन मैंने बता दिया, चलिए मैं बता देता हूँ जो लोग नए स्टूडेंट हैं। फीमेल फाइनेंस डिपार्टमेंट की व्हाट परसेंट लेस देन, मुझे एक बात समझिएगा, परसेंट लेस हो या परसेंट डिक्रीज हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो नंबर होते हैं लार्जर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी अपॉन, अगर मुझे डिक्रीज निकालना है तो हम लार्जर क्वांटिटी से क्या करते हैं या लार्जर नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू 100। अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो लार्जर माइनस स्मॉलर अपॉन स्मॉलर इनटू 100। ठीक है, चलिए देखते हैं। फीमेल फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या बोला जा रहा है, फीमेल, फीमेल इज व्हाट परसेंट लेस। तो पहले बता दीजिए फाइनेंस फीमेल कितनी है, तो फाइनेंस फीमेल की अगर आप बात करें कितनी है, 55, कितना है 55, राइट। कितना परसेंट लेस है फीमेल प्रोडक्ट की, तो फीमेल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में कितना है 165, तो फीमेल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की, राइट। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की फीमेल कितनी है 165, तो पूछा जा रहा है 165 इज हाउ मच परसेंट लेस देन फीमेल इन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो क्या होगा, लार्जर नंबर कौन सा है, 165 परसेंटेज लेस निकालना है, यानी लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर इनटू 100, यानी लार्जर नंबर 165 है, स्मॉलर नंबर 55 अपॉन स्मॉलर, स्मॉलर नहीं लार्जर, क्योंकि परसेंट लेस निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी होती है, राइट, अपॉन कितना 165 इनटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, राइट, 110 अपॉन 165 इनटू 100। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 66.23% और यही इसका आंसर होगा। मैंने निकाल रखा है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर रखते हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं इस टाइप की और भी ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एग्जाम मैनिक्स, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे, और लाइव लेक्चर भी आप हमारा अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैं इंटरेक्टिव सेशन लूंगा, जिसमें मैं अवेलेबल रहूंगा। यूट्यूब के अंदर तो स्टूडेंट देखते ही हैं, लेकिन अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट का जो नंबर है आपको नीचे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, और दूसरे जगह पे आपको चैट बॉक्स में देखना होता है, बट यहाँ पर आप मुझे लाइव, मेरे साथ 500 से 600 स्टूडेंट एक साथ लाइव मिनिमम देखते हैं, लेकिन तीन से टारगेट है कि 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लाइव जुड़ जाए, और लाइव मेरी बात सुन सकते हैं सब लोग, और लाइव मेरे से बात कर सकते हैं, जो आपको फैसिलिटीज कहीं दूसरे पर नहीं दिया जा रहा है तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है तो गूगल मीट के थ्रू आपको इसका लिंक भी मिलेगा, हर नए डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आर यू गाइस ऑल